So today's topic is one of the most important topic, vaccination of children. Sir, पहले parents जानना चाहेंगे कि children में vaccination आखिर होता क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन जो हमें बच्चों को कॉमन बीमारियां होती हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं, बीमारियां तो बहुत सारी हैं जो बहुत सीरियस देखी गई, उनके अगेंस्ट वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, जैसे कोरोना के अगेंस्ट बनी वैक्सीन, अभी लेटेस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है। कोरोना की जो वैक्सीन है वो तो बहुत तेज़ी में बनानी पड़ी, बट अदरवाइज इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ट्रायल्स होते हैं, तब वो सेफ्टी के साथ बनती हैं। तो बच्चों के लिए जो देखा गया कि बच्चों की ओवरऑल फर्स्ट 5 ईयर्स में मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और किन बीमारियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा है, उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई और बच्चों को सेफ किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब पोलियो हमारे देश से जा चुका है, पोलियो अनुमूलन हो गया और मीजल्स की इंसिडेंस भी बहुत कम हो गए MMR और मीजल्स वैक्सीन के बाद। और जैसे स्मॉल पॉक्स होती थी जब हम छोटे थे तो हाथ पे 2 वैक्सीन लगाए जाते थे, बड़ा सा निशान बनता था, स्मॉल पॉक्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। पहले बहुत सारे लोग इन बीमारियों से या तो बच नहीं पाते थे या बहुत सीरियसली बीमार हो जाते थे, उन्हें दिखना बंद हो जाता था या कुछ भी, उन्हें बहरे हो जाते थे, इस तरह की तमाम समस्याएं होती थी जो रुक गई। सर, पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर सबको वैक्सीन लग रही है और सब वैक्सीनेटेड हो रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने बच्चे को वैक्सीनेटेड कराने की, वो तो ऑलरेडी एक सेफ एनवायरनमेंट में है। ऐसा नहीं है, अगर सभी ऐसा सोच लेंगे तो कोई भी अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं कराएगा, और वैक्सीन कराना बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिससे आप अपने बच्चे को सुरक्षित कर सकते हैं। जो लोग ऐसे सोचते हैं तो फिर वो फंसते हैं, या तो उनके बच्चे एडमिट होते हैं या उनके बच्चों को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या परमानेंट लॉस हो जाता है, और जब वो एडमिट होते हैं तो उनका खर्चा भी वैक्सीन की कॉस्ट की तुलना में कहीं कहीं ज़्यादा होता है जो वो उस समय रियलाइज नहीं करते। सो सिंस वी नो व्हाट वैक्सीनेशन इज, कैन वी प्लीज नो कि व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ वैक्सीन वर्क्स फॉर चिल्ड्रन? अपूर्वा, जो हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया जाता है तो वो उससे हमारी बॉडी लड़ती है और उसे कंटेन करने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि ये हमारी बॉडी को नुकसान ना करे, और इस लड़ाई में बीमारियाँ होती हैं, इसी लड़ाई में बहुत सूजन डेवलप होती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और हम बीमार होते हैं और कई बार हम बच भी नहीं पाते। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि वो जो कीटाणु है उसको इनएक्टिव करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो बॉडी उसे फॉरेन इन्वेडर समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और फिर वो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनी रह जाती हैं, तो इसको कहते हैं इम्यून मेमोरी। और इम्यून मेमोरी से जब वो उसी तरह का सिमिलर ऑर्गेनिज्म, उस तरह का कीटाणु हमारी बॉडी में जब बीमारी के रूप में हमारे आसपास से निकलता है तो फिर वो बीमारी हमें नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, मीजल्स की वैक्सीन 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब हम बच्चे को 7 महीने से लेकर 9 महीने की उम्र पे मीजल्स का वैक्सीन लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी हमारी बनाती है और वो एंटीबॉडी इम्यून मेमोरी के अंदर चली जाती है। अब ये तो हमने इनएक्टिवेटेड मीजल वायरस डाला बच्चे की बॉडी के अंदर, उसके बाद जब सचमुच में वो मीजल्स वायरस के संपर्क में आता है तो ये एंटीबॉडी जो शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहती है वो उस मीजल्स वायरस को कम्बैट कर देती हैं, उसको कंटेन कर देती हैं और बच्चे को बीमार नहीं होने देती। थैंक यू एवरीवन, काइंडली गिव अस फीडबैक कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, और प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड हेल्प अस इन रीचिंग अमंग अदर्स। थैंक यू। सो टुडेज टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। सर, पहले पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि चिल्ड्रन में वैक्सीनेशन आखिर होता क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन जो हमें बच्चों को कॉमन बीमारियाँ होती हैं, सीरियस बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं जो बहुत सीरियस देखी गई, उनके अगेंस्ट वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, जैसे कोरोना के अगेंस्ट बनी वैक्सीन, अभी लेटेस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है। कोरोना की जो वैक्सीन है वो तो बहुत तेज़ी में बनानी पड़ी, बट अदरवाइज इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ट्रायल्स होते हैं, तब वो सेफ्टी के साथ बनती हैं। तो बच्चों के लिए जो देखा गया कि बच्चों की ओवरऑल फर्स्ट 5 ईयर्स में मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और किन बीमारियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा है, उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई और बच्चों को सेफ किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब पोलियो हमारे देश से जा चुका है, पोलियो अनुमूलन हो गया और मीजल्स की इंसिडेंस भी बहुत कम हो गए MMR और मीजल्स वैक्सीन के बाद।